नमस्कार दोस्तों, मैं शाना परवीन हाजिर हूँ आपके सामने किस्सों की पोटली के अंतर्गत एक नई रचना लेकर। सुनते हैं आज की रचना। यह प्यारी सी कहानी हमें भेजी है आदरणीय भावना ठाकर बाबूजी ने बेंगलोर से। कहानी का शीर्षक है बेइंतहा इश्क। तुम्हें देखते ही जाना खिलकर बहार हो जाऊं, दूरियों पर बिरहन बन तेरे इंतजार में दर्द का पहाड़ बन जाऊं। ओ अंशु बेबी, ये देख शायरी बन गई, कैसी लगी बताना। शैली यार, फालतू में क्यों दिमाग का दही कर रही हो। तुझे छोड़कर मैं अब कहीं नहीं जाने वाला, सो प्लीज बाबू ख्याल भी मत लाना कि हम कभी जुदा हो जाएंगे, समझी मेरी बुलबुल। कहते अंशुमन चुंबनों की बारिश करते शैली की नाजुक काया पर सराबोर बादल सा बरस पड़ा। लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे कामदेव के अवतार सा अंशुमन और सुंदरता की मूरत शैली मानो एक दूसरे की जान थे। बे इंतहा इश्क में बंधे दोनों 2 साल से साथ रहकर जिंदगी के मजे लूट रहे थे। ना परिवार की परवाह, ना दुनिया का डर, एक दूसरे के लिए कुछ भी कर गुजरने को बेकरार। दोनों परिपक्व उम्र के चलते रिश्ते में बंधे थे, एक दूसरे की वफादारी पर रत्ती भर भी शक नहीं। एक दिन अंशुमन ऑफिस से खुशखबरी लेकर आया। शैलू डार्लिंग, तू लकी है मेरे लिए, देख अमेरिका की एक कंपनी से मुझे जॉब ऑफर हुई है, 20 लाख का पैकेज है। तो बंदा चला अमेरिका। शैली आंखें फाड़कर अंशु मन को देखने लगी। व्हाट डू यू मीन अंशु, तुम मुझे यहाँ अकेली छोड़कर कैसे जा सकते हो। ना बाबा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। कहते हुए शैली अंशु मन से लिपट कर रो पड़ी। अंशु मन ने शैली को बाहों में भरते प्यार करते शांत करते कहा, पगली फिलहाल 2 साल के लिए जा रहा हूँ, वहाँ पर सब ठीक रहा तो वापिस आकर शादी कर लेंगे और तुझे भी साथ ले जाऊंगा, फिर दोनों आराम से रहेंगे, प्लीज हाँ बोल दे। शैली ने अंशुमन के भविष्य को ध्यान में रखते हुए बेमन से इजाजत दे दी। उस खुशी में दोनों ने आज बियर पार्टी की और नशे में बहक कर लक्ष्मण रेखा लांग गए। 1 हफ्ते बाद अंशुमन चला गया। 2 महीने शैली की तबीयत खराब हो गई। उल्टी मितली के चलते टेस्ट करवाने पर पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। खुशखबरी देने के लिए अंशुमन को फोन लगाया, नॉट रीचेबल ट्यून गूंजती रही। दूसरे दिन, तीसरे दिन फोन लगाते पूरे 5 महीने बीत गए पर अंशुमन की कोई खैर खबर नहीं मिली। उसके साथ कोई हादसा हुआ या उसने शैली को धोखा दिया, शैली की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। अवसाद के मारे शैली आहिस्ता आहिस्ता पागलपन की कगार तक पहुंच गई। अंशुमन का नाम ले लेकर चिल्लाती रहती, घर की हर चीज में अंशुमन का स्पर्श तलाशते बावली बन रोती रहती, ना ठीक से खाना खाती ना सोती। पड़ोसियों ने शैली के घर वालों को ढूंढकर शैली को वहां पहुंचा दिया। घर वालों ने 50 डॉक्टरों को दिखाया पर अंशुमन के प्यार में पागल शैली गमों का पहाड़ होती चली गई। 9 महीने पूरे होते ही डॉक्टर ने बच्चे का ऑपरेशन से जन्म करवा दिया। सबको लगा शायद बच्चे को देखकर शैली ठीक हो जाएगी, पर बच्चे को हाथों में लेते ही अंशुमन कहते गले लगा लिया और कोमा में चली गई। 2 महीने बाद अचानक से अंशुमन शैली को ढूंढता वापिस आया। घर वालों ने सवालों की झड़ी लगा दी, कहाँ थे, क्यों शैली के साथ ऐसा किया वगैरह वगैरह। अंशुमन बोला, सब बताता हूँ। एक दिन मैं काम से लौट रहा था तो कुछ गुंडों ने मुझे कोई और समझकर मेरा किडनैप कर लिया था। मेरी सारी चीजों के साथ मेरा मोबाइल भी उन लोगों के कब्जे में था। ना मैं अपनी खबर शैली तक पहुंचा सकता था, ना खुद आ सकता था। मुश्किल से जान बचाकर आया हूँ। मैं अपनी शैली को धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और शैली को गले लगाकर इतना ही बोला, मेरी पगली क्या बताऊं, मेरे साथ क्या क्या हुआ, पर तुमने वो शायरी क्या इसी दिन के लिए लिखी थी जो सचमुच मेरे प्यार में निर्जीव अडोल पहाड़ सी बन गई। देख मैं आ गया अपनी जान के पास, वापस मेरी चहकती बुलबुल बन जा, हम दोनों और हमारा बच्चा साथ साथ रहेंगे, अब तुम्हें छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगा, प्लीज लौट आओ। अंशुमन के स्पर्श ने जैसे जादू जगाया,
हौले हौले शैली ने आंखें खोली और प्यार में पहाड़ हो चली एक बिरहन वापिस ऊर्जा का स्रोत बन गई। आशा करते हैं आपको किस्सो की पोटली से यह रचना पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि आपका हमारे कार्यक्रम से संबंधित कोई भी सवाल या फिर सुझाव है, या आप हमारे इस कार्यक्रम में और भी कुछ देखना और सुनना चाहते हैं, तो कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद।